हेलो फ्रेंड, मेरा नाम पंकज कुमार है और हम आज यहाँ ये देखने के लिए है कि एक ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलर कैसे किया जाए। इससे पहले भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था जो फ़ोटो को बेहतर कैसे बनाया जाए उसके ऊपर था। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आए थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। और इसके बाद मैंने और एक ट्यूटोरियल बनाया था जो ये था कि अपने कंप्यूटर को फास्टर कैसे बनाया जाए, वो अच्छा तरीके से काम कर सके। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। आप मेरे यूट्यूब चैनल जा सकते हैं जहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एक ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलर कैसे किया जाए। सबसे पहले ये हमारा मेन लेयर है, उसके ऊपर एक नया लेयर ले और आपको जिस एरिया को सबसे पहले कलर करना है उस एरिया का एक सिलेक्शन बनाए। मैं यहाँ पे मैग्नेटिक लेजर टूल लूँगा। आपको जो टूल से सिलेक्शन बनाने पे इजी पड़ता है आप वो टूल यूज़ करें। आप पेन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सबसे बेहतर है, पर मैं यहाँ लेजर टूल लूँगा और यहाँ पे इनका फेस का और इनका स्किन का एक सिलेक्शन बनाऊंगा जिसे हम कलर करेंगे। ये मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं सिलेक्शन को उतना एक्यूरेट नहीं करता हूँ, पर कोशिश करता हूँ कि वो अच्छा ही हो। एक बात हमेशा याद रखें कि कलर जो होता है वो कभी भी ब्लैक या वाइट के ऊपर नहीं होता है। यानी अगर चाहते हैं कोई ब्लैक कलर का चीज़ का कलर बदले तो उसका करने का जो प्रोसेस है वो ये नहीं होगा, कुछ और होगा। उसे करने के लिए कुछ और तरीका यूज़ करना होगा क्योंकि ब्लैक एंड वाइट कभी ब्लेंड नहीं होता। ब्लैक का वैल्यू 0 और वाइट का वैल्यू 1 है इसलिए वो दोनों ब्लेंड नहीं होता, और इसके बीच में बाकी सब कलर है इसलिए बाकी सबको ब्लेंड होने का मौका मिलता है, पर वाइट और ब्लैक कभी ब्लेंड नहीं होगा। ये सिलेक्शन मेरा रफ सिलेक्शन है, उतना खास सिलेक्शन नहीं है। मैं आपको बस एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि कलर किया कैसे जाता है। इसके बाद आप को समझ आ जाएगा कि कलर करने के लिए क्या करना पड़ता है। मैं यहाँ एक रफ सिलेक्शन बना रहा हूँ इनके फेस और इनके नेक के आसपास। मैंने ये सिलेक्शन बना लिया। इसके बाद मैं इसमें कुछ फेदर डालूँगा मॉडिफाई में फेदर जो एज को स्मूथ कर देगा। इसके बाद यहाँ इसका जो इनका जो स्किन का कलर है मैं वो इसमें पुट करूँगा। तो मुझे एक्यूरेटली पता नहीं कि स्किन कलर होता क्या है, उसके लिए मैं एक ट्रिक यूज़ करूँगा। मैं और कोई कलर इमेज ओपन करूँगा, जैसे ए है इसे मैं ओपन करता हूँ। अब जो इनका स्किन कलर है वो मैं ले लूँगा। और जब आप ये आई ड्रॉपर टूल लेंगे तो ऊपर आके एवरेज का यहाँ पे पॉइंट सैम्पलर होगा आपका डिफ़ॉल्ट, पर इसे आप चेंज कर लें और 5x5 रखें ताकि एक एवरेज मिलेगा स्क्रीन का, कोई पर्टिकुलर कलर नहीं मिलेगा। ये अच्छा है, इसे मैंने ले लिया। इसके बाद मैं कलर इसमें डाल देता हूँ। बकेट टूल को लेके कर सकते हैं। ये डालने के बाद आप इनके ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे जो नॉर्मल से आप कलर कर देंगे। मैं फिर दिखा जाऊंगा। मैं यहाँ ब्लेंडिंग मोड में गया और इसे कलर कर दिया। इस तरह ये कलर आ गया। अब आपको लग रहा है कि कलर थोड़ा ज़्यादा ही
ज़्यादा ही है, तो इसे आप थोड़ा ओपेसिटीज़ का कम कर दें और लेवल में जाके थोड़ा एडजस्ट कर ले। आपको लेवल मिल जाएगा, आपको लेवल आपको मिल जाएगा इमेज में एडजस्टमेंट में लेवल्स, यहाँ जाके आप थोड़ा चेंज कर ले। वो करने के बाद आप इजी टू ले और जहाँ जहाँ स्किन नहीं है वहाँ वहाँ डिलीट कर ले, जैसे आईज में कर ले। आईब्रोज कर ले, इसका हार्डनेस को जीरो कर दे। मैं यहाँ रफली कर रहा हूँ, आप जब करें तो इसे अच्छी तरह से करें। इसके बाद एक नया ले ले और इनका लिप्स को बनाएं। अगर लिप्स कलर आपको पता नहीं है तो आप इनका लिप्स कलर यूज़ कर सकते हैं। एक रेफरेंस होने का बहुत फ़ायदा है, एक रेफरेंस इमेज ले ले जो कलर है और उससे आप का काम बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ कलर कर ले, यहाँ पहले से इसको नॉर्मल आप मोड को कलर कर दे तो आपको पहले से ये इसका आउटपुट दिखने लगेगा आपका। अब इसका टीथ को वाइट कर देते हैं। अब इनका आइस कलर करते हैं, इनका आइस का हम इन पे इनके इनका आइस दिख रहा नहीं है तो यहाँ से नहीं लेके हम कुछ ब्लू ट्राई करेंगे। ब्लू आइस अच्छा ही लगेगा। ब्लेंडिंग मोड कलर कर दे। मैंने कुछ कुछ सिलेक्शन डिफ़ॉल्ट ही डिफ़ॉल्ट सेव करके रखा है, सिलेक्शन जाके लोड सिलेक्शन करता हूँ। इनका मैंने क्लोथ्स का सेव कर रखा है जो मैं अभी ओपन कर लिया। अब इसे मैं एक कलर दूंगा, इनका मोड कर दे कलर। अब इसके बाद मैंने इसका सिलेक्शन सब बना के रखा था आप सबके लिए ताकि मैं तो जल्दी कर सकूं। मैं आपको बताता हूं कि कभी भी हेयर जो होगा वो ब्लैक नहीं होगा। हेयर के लिए आपको कोई और कलर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक और ब्लैक ब्लेंड नहीं होगा। इसके लिए आप कुछ ऐसा कलर यूज़ करें जो आपका ब्लेंड हो सके। सबका सिलेक्शन मैंने सेव कर रखा था इसलिए मुझे अभी काम करने में बहुत इजी हो रहा है। इनका हैंड का भी मैंने सेव किया था। अब देखिए ऑलमोस्ट कलर हो चुका है। ये है प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस कलर करने का। आप चाहे तो
कुछ टाइम लेके आपका काम और अच्छा होगा। यहाँ आप देखें थोड़ा हेयर इसके ऊपर ब्राउन हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्लैक के ऊपर कभी ब्लैक ब्लेंड ना करें, ब्लैक के ऊपर कोई और कलर डालें तो वो में शाइनिंग आ जाएगा। मैं जैसे दिखाता हूँ आपको एग्ज़ाम्पल के लिए, मैं यहाँ डार्क ब्राउन लूँगा जो हमारे हेयर कलर यूजली होता है, और आपको कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कलर ले लिया, इसका कलर कर दिया, इसका मूड कर दिया कलर, और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे ये इसके ऊपर ब्लेंड हो रहा है, पर मैं ब्लैक लूँगा तो ब्लेंड नहीं होगा। दिखाता हूँ ब्लैक लेके, ये देखिए ब्लैक काम नहीं कर रहा है, ब्लैक और वाइट कभी भी काम नहीं करेगा। आपको दिखाऊँ वाइट लेके, वाइट लेता हूँ, वाइटनेस से देखें यहाँ इरेज हो जा रहा है, ये वाइट ट्राई ना करें और आपका ब्लैक ब्लेंड नहीं होगा। ये दोनों चीज़ बताता हूँ, इस तरह से हम एक इमेज को कलर कर सकते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को समझ आया होगा कि ये इमेज को कलर कैसे करते हैं। ये आप एक रेफरेंस ले लें तो आपको काम करने में इजी होगा और आपका इमेज कलरफुल होने के बाद अच्छा दिखेगा। तो आज का ट्यूटोरियल बस इतना ही था, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट पे उसे लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप मेरे चैनल को विजिट करें, यहाँ पे आपके साथ आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको और आपको जो चाहिए होगा आप यहाँ पोस्ट कर सकते हैं मेरे को, तो मैं आपका पोस्ट पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।